ये रिश्ता क्या कहलाता है। पूजा की प्रथम चरण संपन्न हुई जजमान। तो ये थारा काम हो गया लल्ला, तू जा। हाँ नक्श, अब यहाँ पे बस लेडीज का ही काम है, तो तू जा अपना काम कर ले। देखिए मुझे वैसे भी कोई खास काम नहीं है, तो मैं रुक सकता हूँ। पर क्यों, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब ना देख लल्ला, मारे कोठे थोड़ा बखत लग जावेगा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लेऊंगी और जी थारी कीर्ति का भी पूरा ख्याल रखूंगी मैं। हाँ हाँ, और तुम यहाँ रहोगे ना तो कीर्ति का भी ध्यान बटेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। जा। ठीक है। पूजा शुरू कीजिए दूसरे चरण की। आप दाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूय नमाम्यहम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये मैं नहीं उन्हें दे सकती, बिल्कुल नहीं। नायरा, दादी आपको पता है बुआ दादी कीर्ति दी से कौन सी पूजा करवाने जा रही है? नहीं, वो ये नहीं कर सकती। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, वो पूजा रोक। नायरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दादी आपको पता है कि वो, हाँ हम जानते हैं, फिर भी आपने, अच्छा हाथ में दीजिए, संकल्प लेना होगा। कीर्ति, थारे जीवन की पिछली सारी बातें बुलाकर मारे लल्ला और मारे घरवालों ने सबने जे तय किया है थारे को बहू बनाना। थारा भी फर्ज बने है ना कुछ करने का। आप बताइए मुझे क्या करना। जो पंडित जी बोले है ना, वहां के पीछे पीछे तू भी बोलती जा। कीर्ति, जेठारी शुद्धिकरण की पूजा है, या के बाद तू शुद्ध हो जावेगी और मारे लल्ला के लायक भी। या में थारी जिंदगी की खुशियां भी तो शामिल है ना छोरी। देख कीर्ति, ये सारी बातें थारी दादी ने भी पता है। ऐसे कैसे जाने दिया आपने दादी, कीर्ति दी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक छोटी सी पूजा है, कीर्ति जाके करेगी और वापस आ जाएगी। ये पूजा ठीक से हो गई ना, तो फिर तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। शुद्धिकरण, अगर आप भी ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूं आपकी खुशी के लिए। आपने क्यों मंजूर किया दादी, क्यों बताइए दादी, क्यों हिस्सा बनी आप इस सब का? अपनी बच्ची की खुशी के लिए, अगर हम उसे मना कर देते तो जीवन भर उसे अशुद्ध जैसे शब्द सुनने पड़ते। सबसे ताने सुनने पड़ते, इस सब से बचने के लिए हमने मंजूर कर लिया। नहीं दादी, मैं सहमत नहीं हूं इससे।
आपने एक बार भी सोचा कि कीर्ति पर क्या बीतेगी? कोई कैसे तय कर सकता है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध? कोई दूसरा किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता ये। और ये बात जाके मैं बुआ दादी को भी समझाऊंगी। फादर, चलो इससे पहले कि कीर्ति के साथ कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। किट्टू नायरा, मत रोको ये पूजा, समझने की कोशिश करो कि हमने ऐसा क्यों किया। प्लीज किट्टू, जो सजा देंगी सब मंजूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगी। माँ, दादी, मायका, ससुराल, ये सब छोड़ के सिर्फ एक बार माँ जी, सिर्फ एक बार एक औरत की तरह सोचिए, क्या ये सही है? आ कीर्ति जी, पाटले पे बैठ। हाँ बेटा, बैठ जाओ। आपने तो कहा था कि हमने लड़की से और उनके परिवार वालों से सहमति ले ली है। हाँ हाँ पंडित जी, तभी तो उसके घर वालों ने भेजा है। लेकिन अब तो ये इनकार कर रही हैं। पंडित जी, कीर्ति, तूने वादा किया था ना, लल्ला की खुशी के खातर कुछ भी करेगी। बैठ जा। बैठ जाइए बेटा। सोचना छो, तारा पहला ब्याह तो ना टिका है ना, जी ब्याह ने तो बचा ले। बैठ जा छोरी। अब आप इस बड़े घड़े को उठाकर शुद्धिकरण जल इनके ऊपर डालिए। हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः।
किसी को खुश नहीं रख सकती कीर्ति। तुम में ना रिलेशनशिप्स निभाने की क्वालिटीज ही नहीं है, खोट है तुम में। नमो गंगे हर हर गंगे, नमः गंगे नमो नमः। ये रिश्ता क्या कहलाता है।